हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली हमारी सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन 2022 लेटेस्ट मॉडल प्रीमियम प्लस मॉडल और स्नो आइस स्नो मेकिंग मशीन है, जिसकी वीडियो बना रहे हैं। आज हमारे यहाँ स्पेशली कस्टमर आए हैदराबाद तेलंगाना से कस्टमर आए, तो मशीन की लाइव डेमोस्ट्रेशन देने वाले, जिसमें सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन बना के सर को टेस्ट कराने वाले, वो सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन ऑपरेट करके इनका भी टेस्टिंग कराने वाले और क्वालिटी कैसा है, कैसा फंक्शन है मशीन की, क्या क्या सिस्टम है, उनकी लाइव डेमोस्ट्रेशन बताने वाले। तो थोड़ा हम बात कर लेते हैं। हेलो, क्या नाम है सर आपका? अरविंद। अरविंद जी, और सर कहाँ से है सर? तेलंगाना हैदराबाद। तेलंगाना हैदराबाद से। अच्छा, और सर आपने ये हमारा कंपनी का रेफरेंस कहाँ से मिला आपको? यूट्यूब से आपका रेफरेंस देखा है हमने। यूट्यूब पे भी आपने वीडियो देखा होगा? हाँ, वीडियो बहुत देखे है आपके। अच्छा, बराबर। एक बार जाके एक बार सर से मिल के आएंगे, क्या है पूरा देख के सामान को भी प्लान करने का है सेटअप। अच्छा, बराबर। तो हिसाब से अभी देख के सेट करने आए हैं। अच्छा, बोलो, चेक करने कैसा मशीन कैसा फंक्शन है वो देखने के लिए आए? हाँ, वो भी देखने के लिए। और जो सर हम YouTube में बताते हैं हमारा काम ऐसा है, तो वहाँ पे एक तो यहाँ पे एक्चुअल जेन्युइन लगा सब काम? हाँ, सब जेन्युइन काम लगा, हाँ, ओरिजिनल लगा। अच्छा, और कौन सा मशीन रिक्वायरमेंट है सर आपको? ये देखिए, अभी ये सॉफ्टी आइसक्रीम का है ये, और ये प्लस मशीन का, प्लस मशीन और एक शुगर केन वाला, शुगर केन मशीन का। अभी तीन मशीन का सेटअप का प्लानिंग है आपका? प्लानिंग है। अच्छा, तो सर का भी ये तीन सेटअप का प्लानिंग है, तीन मशीन का डेमोस्ट्रेशन हम दे रहे हैं और क्वालिटी चेक करवा रहे हैं कि क्या क्वालिटी है वहाँ पे, क्वालिटी मिलता है कि नहीं मिलता है, मशीन में से बनता कैसे, प्रोसेसिंग कैसे होता है, तो ये सब का डिटेल हम आज वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज इसका जो स्नो मेकिंग मशीन है, इसका हम ऑपरेटिंग डेमो बताएंगे। इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर बनाने वाले हैं, जो हमारे पास यहाँ पे बोतल पड़ा है स्ट्रॉबेरी का, इनसे हम फ्लेवर बनाने वाले। तो सबसे पहले हम इसको बना के रख देते हैं इसके अंदर, उसके बाद हम सॉफ्टी का फ्लेवर भी बनाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम इसमें से स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर ऐड करेंगे इसमें। स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर ऐड कर दिया हमने इसमें, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वाटर पड़ा हुआ है, वाटर ऐड कर देंगे थोड़ा। तो वाटर ऐड हो चुका है, उसके बाद मशीन को प्रोसेसिंग करने स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे स्विच बटन है, स्टार्ट है। यहाँ पे टेम्परेचर भी इसका हम 6 नंबर पे रख देंगे, और यहाँ पे इसका लाइटिंग सिस्टम है, लाइट भी स्टार्ट कर देंगे, जिससे लाइट स्टार्ट हो जाएगा। अभी अराउंडली 10 से 15 मिनट के अंदर इसका स्नो बन के तैयार हो जाएगा, उतनी देर में हम इसका सॉफ्टी का फ्लेवर बना के स्टार्ट कर देते। ये हमारा सॉफ्टी का फ्लेवर है, जिसमें एक वेनिला का फ्लेवर बना रहे हो, दूसरा है हमारा ब्लैक करंट का है, ब्लैक करंट का फ्लेवर है। ये दोनों हाफ हाफ पैकेट बनाएंगे। ये एक्चुअल रेसिपी इसका 4 लीटर मिल्क में 1 किलो पाउडर रहता है, फिलहाल हम इसका आधा रेसिपी बनाएंगे, जिसमें 500 ग्राम वेनिला का पाउडर और 2 लीटर मिल्क ला लेंगे। ये फ्लेवर है इसका वेनिला का, ये भी हमारे को सबसे पहले 500 ग्राम से 500 ग्राम इसके अंदर हम ऐड करेंगे। वेनिला ऐड कर दी हमने, उसके बाद हमारा दूसरा फ्लेवर है ब्लैक करंट का, इसका पूरा पैकेट है, इसलिए हम इसको वेट करेंगे पहले। जीरो जीरो हो चुका है, अभी इसके अंदर हम 500 ग्राम ऐड कर देंगे इसको। तो 500 ग्राम ऐड कर दिए हमने, ये दोनों में 500-500 ग्राम का एक एक बैग है हमारा, ये चार चार बैग ऐड कर देंगे। दो दो लीटर ऐड कर देना है अभी हमने। अभी ये जो मिक्सर मशीन है, हम जो मशीन के साथ दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री में, इस टाइप का मिक्सर दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री में, इससे अच्छे से इसको ब्लेंड कर देंगे हम।
ले आप ब्लेंडर, पिन काट ही काट। अभी फ्लेवर तैयार है, अभी हम मशीन के बाउल इसमें सप्लाई कर देंगे। यहाँ पे टैंक है हमारा, दोनों टैंक दिया गया है इसमें, एक में हम इसको सप्लाई कर देंगे। एक में इसमें वेनिला को कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे वॉश का बटन लेके थोड़ा लाइन में ले लेंगे इसको, लाइन में आ चुका है। ढाकना क्या से है ना, इसको कवर अप कर देंगे। और यहाँ पे भी प्री कूलिंग रहता है, यहाँ पे चील्ड हो रहा है देखिए पूरा, ये पूरा टैंक चील्ड हो रहा है। ये अपना मटेरियल है, इसको भी ठंडा रखने के लिए कंप्रेसर अलग से छोटा दिया है, जो गर्मियों के मौसम में मिल्क अपना ख़राब नहीं होना चाहिए, फट नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ पे कंप्रेसर नहीं होता तो गर्मियों के मौसम में एक घंटे में ऊपर का मिल्क फाड़ देता वो, इसलिए इसके लिए अलग कंप्रेसर भी सेपरेट दिया है कि वो पूरा दिन उसको मेंटेन रखेगा टेम्परेचर। अभी हम ढक्कन ढक देते, उसके बाद यहाँ पे फ्रीजिंग का बटन है, ये बटन दबाने से आइसक्रीम बनने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। पहली बार 10 से 12 मिनट का टाइम होगा इसको जमाने के लिए। अराउंडली हम टाइम भी देख लेते हैं आपको काउंट करने के लिए कि कितनी देर के अंदर फर्स्ट टाइम 1:21 का टाइम हुआ है। अभी हमें फ्रीजिंग का बटन दबा रहे हैं 1:21 को। अभी कंप्रेसर 10 सेकेंड के बाद कंप्रेसर चालू होगा इसका। अभी मोटर चालू हुआ है, ये कंप्रेसर उठ गया अभी उसका। कितना टेम्परेचर डिस्प्ले में है शो करेगा आपको, 30 का टेम्परेचर सिलेंडर का है जहाँ पे आइसक्रीम जम रहा है, 6 का टेम्परेचर ऊपर के टैंक का है जहाँ पे अपना चिल्ड लेने से, ये टैंक का फोटो भी दिया है इसमें, और यहाँ पे सिलेंडर का फोटो है। आइसक्रीम कितना बना है, तो अभी आइसक्रीम बना नहीं है, जब बनेगा तो पूरा कौन तैयार होगा। अभी 2 पॉइंट ही है, ये टोटल 5 पॉइंट आ जाएगी, और यहाँ पे 100% लिखा हुआ आ जाएगा, 52% की जगह 100% आ जाएगा। 100% होगा इसलिए आइसक्रीम वो टाइम पे तैयार होकर रेडी हो जाएगा। थोड़ू काम है और अभी ने देखा रहा हुआ है, हाँ तो और हुआ है। एक बार यहाँ पे डिस्प्ले में करेंगे ऊपर से कितना पावर वोल्टेज आ रहा है दिखाएगा आपको, 212-211 का पावर ऊपर से आ रहा है इसमें। कितना कौन निकाला है मशीन में से, 15 कौन आउटलेट है इसके अंदर। ये 0-0 करना है तो 0-0 भी कर सकते हैं, अभी ऑलरेडी इसमें से 15 निकाला हुआ है। अभी अराउंडली 21 हुआ है, 31 या 33 तक पूरा मशीन ऑटो कट हो जाएगा। 12 मिनट में आइसक्रीम बन के पूरी मशीन बंद साइलेंट हो जाएगी। फिर आप 5 कोन निकालेंगे तो 5 कोन का दूध वापस खींच लेगी, फिर उसको 1 मिनट जमा के वापस बंद हो जाएगी। 10 कस्टमर आए तो 10 कोन निकाल के दिया, वापस 1 मिनट चालू होगी, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अभी हमने आइसक्रीम प्रोसेस करके रेडी कर दिया, अभी अराउंडली 10 से 12 मिनट्स के अंदर हम फिर आपके सामने लौटते और हमारे यहाँ जो कस्टमर है उनको टेस्टिंग करवाते और उनसे रिव्यू लेते कि उनको क्वालिटी टेस्ट मशीन का फंक्शन सिस्टम कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी आइसक्रीम बनके तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। हमने 121 को स्टार्ट किया था, अभी 132 दिखा रहा है इसके अंदर, 132 का टाइम हो चुका है अभी, और आइसक्रीम बनके तैयार हो चुका है। 99% आइसक्रीम बनके रेडी है इसके अंदर, और -5 का टेम्परेचर आ चुका है इसके अंदर। अभी हम इसमें से आइसक्रीम निकाल के बताएंगे हमारे कस्टमर को। कप में हम थोड़ा आइसक्रीम निकाल के टेस्ट करवाएंगे। अभी पूरी मशीन साइलेंट है, चेक करिए तो सर, साइलेंट है मशीन अभी, पूरा साइलेंट है, मोटर चालू नहीं है, कंप्रेसर सब बंद हो गया है, पूरा बंद है। अभी ये पूरी मशीन साइलेंट पावर सेवर मोड पे आ चुकी है। अभी आप जब आइसक्रीम निकालेंगे तब वापस 30 सेकंड 40 सेकंड या 1 मिनट चल के वापस बंद हो जाएगी। अभी हम इसमें से आइसक्रीम निकाल के हमारे यहाँ कस्टमर है उनको टेस्टिंग करवा रहे हैं थोड़ा। अभी हम इसमें से मिक्स का फ्लेवर निकालेंगे, अब देख सकते हैं ब्लैक करंट और वेनिला का फ्लेवर तैयार हो चुका है। लीजिए सर, टेस्ट कीजिए।
और एक में से हम इसमें से स्ट्रॉबेरी का जो स्नो रेडी हो चुका है स्नो निकालेंगे इसमें से, आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ ही निकल रहा है इसके अंदर से, आप देख सकते हैं पूरा, आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ ही है पूरा, जरा भी हार्ड नहीं है इसमें पूरा, आप देख सकते हैं इसका आइस का क्वालिटी देखिए एकदम, पूरा स्नो टाइप का क्वालिटी है इसका, जो बर्फ रहता है वो पूरा हार्ड रहता है, ये पूरा स्मूथ ही है निकल रहा है इसके अंदर से। कैसा लगा सर, टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया है ये तो, ऐसा तो करीमनगर में किधर भी नहीं है, हैदराबाद में भी। हैदराबाद में नहीं खाया क्या आपने? नहीं खाया ऐसा टेस्ट अभी तक। अच्छा, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी है। एकदम सॉफ्ट है, और क्रिस्टल आ रहा है इसके अंदर, बर्फ के पीस आते हैं, पूरा सॉफ्ट है, पूरा सॉफ्ट है, जो बिग डोनल्ड्स मॉल में बड़ी जगह मिल रहा है वैसा ही टेस्ट है, सेम ऐसा ही क्वालिटी। और आपको कैसा लगा सर? अच्छा है, क्वालिटी परफॉर्मेंस कैसा है इसका? एकदम स्मूथ लग रहा है। और फ्लेवर कैसा है सर इसका, वेनिला का और फ्लेवर कैसा है सर? कॉम्बिनेशन भी अच्छा दिख रहा है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। और आपको कैसा लगा सर? सर इसका जो ये टेस्ट है ना, जो कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया है। अच्छा, और जो इसका टेक्सचर आ रहा है ना बहुत स्मूथ है, मुंह पे रख के ही पूरा पिघल जा रहा है, पिघल जा रहा है, जो कई जगह आइसक्रीम खाते हैं तो क्रिस्टल आता है, कचकच आवाज आता है, तो वैसा क्रिस्टल आ रहा है इसमें? नहीं नहीं, परफेक्ट जो सैंड ड्यून्स बोलते हैं इसको, परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। और ये थोड़ा स्नो भी सर टेस्ट करके बताए हमारे व्यूअर्स को कैसा लगा सर, आपको इसको भी टेस्ट करके थोड़ा बताइए सर। स्ट्रॉबेरी का हमने जो स्लश मशीन दिखाया उसका भी टेस्ट करके बताइए हमारे व्यूअर्स को। इसका भी टेक्सचर बहुत बढ़िया है। अच्छा, और स्नो जो है एकदम प्रॉपर है। अच्छा, और जो फ्लेवर बोलते हैं ये अच्छा कंपनी वाला है, मालास का यूज़ किया है, इसलिए इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा, क्रश है, स्ट्रॉबेरी क्रश है पूरा फ्लेवर, प्रॉपर क्रश है। जो बाजार में गोला मिलता है जो आदमी खाते हैं तो वैसा टेस्ट है कि डिफरेंट है उससे? नहीं, उससे बढ़िया है, उससे बढ़िया है, गोले से बढ़िया है। और सर मशीन के फंक्शन कैसे लगे आपको? तो बहुत बढ़िया है मशीन के फंक्शन पूरा, अभी तक तो जो डिजिटल है पूरा डिजिटल मार्केट के हिसाब से ही दिख रहा है पूरा। अच्छा, न्यू फीचर्स के हिसाब से दिख रहा है डिजिटल के हिसाब से ही। और इसके अंदर सर कोई अगर मशीन हमारे व्यूअर्स कस्टमर को लेते हैं तो इसमें कोई ट्रेनिंग का जरूरत है? कोई नया आदमी ले सकता है इसको, काम कर सकता है? ऐसा लग रहा है हम भी अभी खड़के होके बना सकते हैं। आप भी बना सकते हो? लेकिन अभी देखे तो कुछ भी नॉलेज, आपको लाइन का नॉलेज नहीं है? अच्छा, लेकिन आप चला लेंगे मशीन को अगर लेते हैं तो चला सकते हैं? चला सकते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों इतना इजी फंक्शन है कि आप न्यू है, कोई दूसरी लाइन से अगर इसमें कंबाइन किया आपने तो आप भी इसको आसानी से वर्कआउट और चला सकते हो दोस्तों। कोई भी हार्ड फंक्शन नहीं है, ना तो फ्लेवर बनाना हार्ड है, ना तो मशीन को ऑपरेट करना हार्ड नहीं है। आपको मटेरियल डाल के सिर्फ फिलअप करना है और वो फ्रीज का बटन दबाना है, 10 से 12 मिनट के अंदर आइसक्रीम होकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी की मशीनों की ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हर एक डिटेल फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। और हमारी फैक्ट्री पर विजिट करना है तो हमारी फैक्ट्री का एड्रेस है दोस्तों, डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी, भावनगर शहर है और गुजरात स्टेट है, यहाँ पर आके आप लाइव डेमो भी ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर, आपको विजिट किया हमारी कंपनी में, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर, मजा आया, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।